Good morning, everyone. My name is Gaurav, and I welcome every student to this wonderful platform. This is your favorite application. This is your favorite YouTube session on the bankers. Literal Kranti, I'm sabhi ka swagat karta hu. Team Kranti ki taraf se, main Kumar Gaurav, for English mentor. So let's start the session, everyone. So sabse pehle hum baat karne wale hain aaj ke vocab ke bare mein. Aaj ka vocab mein revision karne wale hain sabhi log. Aap sabhi ko main dunga 30 seconds time taki aap log match kar sako word ko meaning ke sath. एंड देन हम लोग फ्रेजल वर्ब की तरफ बढ़ेंगे. फ्रेजल वर्ब आइडियम्स होते हैं ना, एक्चुअली मैंने उसको वोकैब में ही रिवाइज मिक्स कर दिया है और हम उसके बाद करेंगे टुडेज वोकैब, टुडेज एडिटोरियल और ग्रामर सेशन. ठीक है, और आगे बढ़ते हैं फटाफट वोकैब रिवीजन में आते हैं. यहाँ मिलता है आपको 30 सेकंड का टाइम. आप लोग फटाफट 30 सेकंड में मैच करना शुरू कर दीजिए सभी लोग. ये सारे वर्ड्स हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखे हैं. सभी लोग शुरू हो जाइए, कोई बात नहीं, ज्योति भी आ जाएंगी, डोंट वरी. बाकी लोग फटाफट आंसर करेंगे, जितने भी क्लासेस में स्टूडेंट हैं फटाफट आंसर करना शुरू कर दीजिए. यहाँ पे 30 सेकंड का टाइम मिल रहा है आप सभी को. क्या बात है, कुंभकर्ण का टाइटल चेंज होता जा रहा है. नहीं चलिए तो बात करेंगे, शुरुआत करते हैं फटाफट क्वेश्चन से. सभी लोग तो करेंगे. गुड मॉर्निंग शांतनु, वेलकम टू द क्लास. मुझे अपने आप को शिफ्ट करना चाहिए. नहीं, आप लोगों को मीनिंग देखने में दिक्कत हो रही होगी. सभी लोग आंसर करेंगे जितने भी स्टूडेंट्स हैं. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. सुमन, सुमन ने बहुत बेहतरीन आंसर किया पहले ही. कोहेजन का मतलब क्या होता है, सबको साथ में लाना, साथ में मिला जुला के काम करना. तो यहाँ पे हमें मिला फर्स्ट का आंसर, देखिए हमें मिलता है आखिरी वाले में. ड्विंडलिंग का मतलब क्या होता है, ड्विंडलिंग बहुत ही शानदार वर्ड है, हम लोग आज भी पढ़ने वाले हैं, आज के आर्टिकल में भी रिपीट हो रहा है ये वर्ड. और उसके अलावा परवसिव भी होता है, बहुत अच्छा वर्ड है ये सब. सारे के सारे वर्ड्स काफी अच्छे हैं, काफी बेहतर है. शुभम, वेरी गुड. आइए आगे बढ़िए, फटाफट से लोग आंसर करेंगे. हाँ शुरू करते हैं. यस शुरू करते हैं हम लोग. ड्विंडलिंग का मतलब होता है ग्रेजुअली बिकमिंग लेस पावरफुल और लेस कम होते जाना, है ना, उसको कह सकते हैं हम लोग. क्या उसको कहेंगे, ड्विंडलिंग कहेंगे. सेकंड नंबर हमारा आखिरी सेकंड वर्ड में मिलता है सभी को. परवसिव कोई चीज है, परवसिव मतलब क्या होता है, परवसिव मतलब होता है ओमनी प्रेजेंट, है ना. क्या बोलते हैं इसको हम लोग, परवसिव मतलब ओमनी प्रेजेंट, मतलब जो हर जगह प्रेजेंट हो, सर्वत्र हो, उसको बोलते हैं परवसिव. तो परवसिव जो है हमारे पास वर्ड वो कहाँ पे है भाई, थर्ड नंबर यहाँ पे देखने को मिलता है, प्रेजेंट और नोटिसेबल इन एवरी पार्ट. ठीक है एवरीवन, या दैट्स करेक्ट, वेरी गुड शांतनु. आकाश आगे बढ़िए. इल्यूड वर्ड का मतलब क्या होता है, इल्यूड सोचिए सभी लोग, इल्यूड की मीनिंग क्या होती है, सब लोग बताएंगे. सुमन, वेरी गुड सुमन. एंड नेक्स्ट, या दैट्स करेक्ट शुभम, आपने पहले आंसर कर दिया था. आगे बढ़ते हैं फटाफट, हम लोग आगे बढ़ते हैं और आंसर करेंगे. इल्यूड की मीनिंग क्या होती है, ई एल यू डी, इल्यूड. या वेरी गुड, वेरी नाइस. टू फेल टू बी अचीव्ड, दिस इज द राइट आंसर. फोर्थ हमारा मिलता है यहाँ पे, टू फेल टू अचीव्ड, मतलब किसी चीज को अचीव करने में फेल हो जाते हैं, हमें टारगेट को अचीव करने फेल होता है, तो उसको बोलते हैं ल्यूट, है ना. या वेरी गुड शांतनु, शुभम. कंड्यूसिव एनवायरमेंट क्या होता है, कैसा होता है कंड्यूसिव एनवायरमेंट. अगर कंड्यूसिव की बात कर रहे होते हैं तो मतलब कि ऐसा कोई एनवायरमेंट बनाते हैं जो कि दूसरों के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल हो, बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो, है ना. कंड्यूसिव का मतलब ही होता है प्रोवाइडिंग द राइट कंडीशन टू एवरी सिचुएशन, है ना, प्रोवाइडिंग द राइट सिचुएशन टू एवरी सिचुएशन और कंडीशन. ओके, तो आंसर आता है फाइव नंबर, यहाँ पे हम सभी को मिल जाता है. ठीक है, एट्रीब्यूट करना, ये भी आज के आर्टिकल में रिपीट होने वाला वर्ड है. लास्ट आर्टिकल हमने जो पढ़ा था आईआईटी आईआईएम्स वगैरह में जो स्टूडेंट जो है वो सुसाइड कर लेते हैं, तो उसके ऊपर हमने पढ़ा था, काफी बेहतरीन आर्टिकल था वो. आज भी लोग कुछ उसी तरह का पढ़ने वाले हैं, बट थोड़ा डिफरेंट पढ़ने वाले हैं, तो बड़ा आर्टिकल होगा बट थोड़ा डिफरेंट होगा. एट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है, द ड्यूटी टू डू समथिंग, द ड्यूटी do something, that is the right answer. तो हमें मिलता है fifth का यहाँ. ठीक है, अब देखिएगा अगला वर्ड हमारे पास है ऑनेस्ट है और एम्ब्रेस है.
अब देखिए एम्प्रेस और ऑनर्स दोनों का मीनिंग आप सब लोग जानते ही होंगे पहले से, है ना। कुछ नहीं तो आप लोग एम्प्रेस की मीनिंग तो मैं इतनी बार पढ़ा चुका हूँ क्लास के अंदर कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि भाई यहाँ पे एम नहीं होगा, एन होगा, है ना। एन, ये एन है। तो एम्ब्रेस का मतलब होता है कि भाई किसी चीज को एक्सेप्ट करना विद एंथुजियाज्म। क्या बोलते हैं उसको, टू एक्सेप्ट समथिंग विद एंथुजियाज्म, मतलब हमारा 8 नंबर का यहाँ आंसर मिल गया हम सभी को। और एक हमारा बचा है ऑनर्स मेकिंग समथिंग लेस अट्रैक्टिव, तो हमारा ये मिल गया हमारा 7। एक सेकेंड एक सेकेंड, ये तो ऑनर्स ड्यूटी होता है ना, ये दैट्स करेक्ट, ऑनर्स मतलब ड्यूटी। तो ये उल्टा उल्टा मैंने लिख दिया है, तो ये होगा 6 7, 6 हो गया ये, 7 हो गया। हाँ वो उल्टा वो लिख दिया था मैंने। तो ऑनर्स का मतलब होता है क्या भाई, अपनी ड्यूटी को दिखाना, रेस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं आज की वोकैबुलरी में। आज की वोकैबुलरी को पढ़ेंगे हम लोग फटाफट, और एक दो वर्ड पढ़ाने के बाद मैं आप सभी को समझा देता हूँ कि चीजें किस तरह चल रही हैं। बहुत ज्यादा वर्ड तो हमारे पास नहीं है, बट हम लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो आर्टिकल हम आज पढ़ने वाले हैं वो आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आर्टिकल हमारे इंटरनेशनल इश्यूज को दिखाता है, ठीक है। शुरुआत करते हैं लोग कहाँ से, चलिए शुरुआत करते हैं फार्स से। फार्स का मतलब होता है एन इवेंट विच इज अनफेयरली ऑर्गेनाइज, ऐसा कोई भी इवेंट जो कि बहुत ही अनफेयरली ऑर्गेनाइज किया गया हो, मतलब जो फेयर ना हो, जो सच के बुनियाद पर टिका हुआ ना हो, वो ना अनफेयर चीजों पे स्टार्ट किया हुआ चीज हो, है ना, उसको बोलते हैं वैसे इवेंट को फार्स बोलते हैं। आपने फॉल्स सुना होगा ना, फॉल्स से याद रखिएगा, फॉल्स, फार्स, ठीक है। तो मैं सभी को पता है ना एक्ट में क्या होता है, एक्ट में एक तरह का जेनिथ बोलते हैं हम लोग इसको, या एक्ट में बोल सकते हैं द बेस्ट और मोस्ट परफेक्ट थिंग दैट कैन एग्जिस्ट और टू बी अचीव्ड, कहते हैं ना स्काई इज द लिमिट, समझते सभी लोग। जेनिथ का मतलब क्या होता है, स्काई, स्काई मतलब सबसे ऊपर की चीज जो आप अचीव कर सकते हो, सबसे ज्यादा टॉप की चीज जो आप अचीव कर सकते हो, सक्सेस में सबसे ऊपर की चीज को बोलते हैं हम लोग एक्ट में, ठीक है। अब ये क्या है तो आप समझने की कोशिश कीजिए सभी लोग, आर्टिकल थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ आर्टिकल क्या होने वाला है, ताकि आप लोग को भी आइडिया लग जाएगा। देखिए ये हमारा पेज है, पूरा का पूरा आर्टिकल का पेज है, तो इसमें क्या है थोड़ा मैं इसको एलाबरेट कर देता हूँ। देखिए ये हमारा एडिटोरियल है, और आज है 19th of April, है ना, 19th April है, तो आज का आर्टिकल है ये, एडिटोरियल पेज है। अब देखिएगा इसके अंदर लिखा है फर्स्ट, अब आप सभी को दिख रहा होगा द फ्यूचर ऑफ इंडिया सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। फिर से थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा कहते हैं ना वो, मैं पढ़ा था इसको थोड़ा सा, ये थोड़ा पॉलिटिकल इश्यूज है इसके अंदर डिस्कस किया गया है, तो पॉलिटिकल चीजों से थोड़ा बच के रहते हैं। स्टार्टिंग किया है द बीजेपी, है ना, भारतीय जनता पार्टी का जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में जाए, कौन जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्या कर रहा है, जर्नलिज्म क्या कहता है, जर्नलिज्म को राइट्स मिले हैं नहीं मिले, उसके ऊपर पूरी बात की गई है। तो खैर ये तो थोड़ी देंगे हम लोग, आगे देखते हैं। आजकल मैं थोड़ा इससे थोड़ा हट के आर्टिकल्स को पढ़ रहा हूँ, जैसे देखिए आप सभी के सामने लेफ्ट में एक आर्टिकल है जो है मिशन राजस्थान। अब फिर से ये पॉलिटिकल आ गया, क्योंकि अभी पता है सभी को राजस्थान में इलेक्शंस होने हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द कांग्रेस नीड्स टू पुट इट्स हाउस इन ऑर्डर टू बीट बैक द बीजेपी। फिर से कांग्रेस और बीजेपी के बीच का पूरा का पूरा ये फाइट है, तो इसको हम लोग देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, ये पॉलिटिकल आ गया पैसेज। आगे बढ़ेंगे, ट्रेजिक फेलियर एक अच्छा था ये ट्रैजिक फीलिंग जो था ना, ये अच्छा आर्टिकल था, बट उससे पहले मैंने सोचा था कि मैं साइड वाले को करूंगा, मतलब मेन आर्टिकल को करूंगा, इस कारण मैंने को नहीं किया। ये कटबैक था ना, ट्रैजिक फेलियर, गवर्नमेंट्स मस्ट प्रिपेयर पीपल टू डील विद एक्सट्रीम वेदर इवेंट। अभी आजकल क्या हो रहा है ना, आप सभी को पता है कि बहुत ज्यादा हीट वेव चल रहे हैं, है ना। हीट वेव चलने का थोड़ा मतलब यही है, आकाश का कहना है कि हिंदी में ही बता दूं, ठीक है मैं नेक्स्ट टाइम से हिंदी में उसकी मीनिंग लिख दूंगा, ठीक है, वर्ड्स की मीनिंग लिख दूंगा। अब देखिए ट्रैजिक फेलियर जो इसके अंदर है, एक्चुअली में ये जो पूरा का पूरा है ये ग्लोबली क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है ना, उसके बारे में पूरा का पूरा इसमें दिया हुआ है, मतलब एनवायरमेंटल, एनवायरमेंट बेस्ड पूरा का पूरा पैसेज होने वाला है, इसको लोग पढ़ सकते थे, बट हम मुझे यहाँ पे लगा कि थोड़ा इंटरनेशनल बाउंड्री के ऊपर जो चीजें चल रही है ना उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये हमारा आज का आर्टिकल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, और आज का आर्टिकल का टाइटल आप लोग देखिएगा, आप लोग टाइटल पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि क्या चीज कह रहा है इसके अंदर। अ मैसेज फॉर द प्लानर्स इन डीलिंग विद द ड्रैगन। ड्रैगन से कौन डील कर सकता है भाई, तो हमारे जो इंडियंस डील कर रहे हैं, हमारे जो डिप्लोमेट्स जो डील कर रहे हैं। अब ड्रैगन किसको बोलते हैं, आप सभी को पता है ड्रैगन मतलब चाइना, ठीक है। अब चाइना से हम सभी लोग डील कर रहे हैं, कैसे डील कर रहे हैं,
हम लोग क्या कर रहे हैं उसे अपने इंटरनेशनल बाउंड्रीज के ऊपर डील कर रहे हैं, तो उसके बारे में पूरा पूरा इसमें आर्टिकल लिखा गया है। ठीक है, तो मैं हम आज लोग आज हम सभी लोग इसी आर्टिकल को पढ़ने वाले हैं। इस आर्टिकल को लिखने वाले हैं मनमोहन बहादुर, ठीक है, जो कि एक रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल है एंड वॉज एडिशनल डायरेक्टर जनरल सेंटर फॉर एयर पावर स्टडी। ठीक है, तो इन्होंने लिखा है इस आर्टिकल को, तुम लोग पढ़ेंगे इसको जरूर। और इसमें कुछ फॉरेन वर्ड्स इन्होंने यूज किए, बहुत ही सारे थे, इन्होंने बहुत सारे फॉरेन वर्ड्स यूज किए, उसको हम लोग यूज करेंगे, समझेंगे क्लास में चीजें किस तरह से काम करती है। ठीक है विवर, चलिए फिलहाल वर्ड्स को पढ़ लेते हैं। इसमें कुछ फॉरेन वर्ड मैंने इंक्लूड नहीं किया है, वो मैं अलग सबको पढ़ा दूंगा, टेंशन ना लीजिएगा। यस, अब देखिएगा आगे बात करते हैं लोग। सोरेटेशन का मतलब क्या होता है? सोरेटेशन का मतलब होता है समथिंग डन मिस्टीरियसली और सीक्रेटली। अगर कोई काम छिपा के किया जाए, है ना, रिवील ना करके बस लोगों से छिपा के किया जाए, अगर किसी काम को लोगों से छिपा कर करेंगे तो उसको बोलेंगे सरिटेशियस बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? सरिटेशियस का मतलब समथिंग द डन मिस्टीरियसली या सीक्रेटली बोलेंगे। क्रेडेंस, देखिए वर्ड कहां का समझिएगा, क्रेड क्रेड सी आर ई डी, क्रेड का मतलब होता है विश्वास करना। क्या होता है? विश्वास, ठीक है, याद रखिए क्रेड का मतलब विश्वास करना है। क्रेडेंस का मतलब हो गया एक्सेप्ट करना या सपोर्ट करना, जैसे आपने सुना होगा क्रेडिबल, सुना है क्या? आपको मैंने पढ़ाया भी है, आप लोग पहले जानते भी होंगे सभी लोग। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वास करना, क्या बोलते हैं, जो विश्वसनीय हो, मतलब समथिंग विच कैन बी बिलीव्ड। लेकिन अगर बोले इनक्रेडिबल, मतलब जिसपे विश्वास ना किया जा सके, है ना, जो चीजें विश्वास के लायक ही ना हो, जैसे समझिएगा अगर मैं आपको बोलो कि देखिए ये आपने बहुत सारे ऐसे मैजिक ट्रिक्स देखे होंगे जिसके अंदर ये जो है ना, ये जो अंगूठा है मेरा, मैं इसको इसके अंदर डाल लेता हूँ और फिर मैं इसको यहाँ पे अंगूठे को देखिएगा मैं आगे कर रहा हूँ, ठीक है, ये आगे निकाल रहा हूँ अंगूठे को और फिर अंदर कर दे रहा हूँ, ये अंगूठा इतना आगे कैसे हो सकता है? अंगूठा तो यहीं पे है ना, दिख रहा है सभी को? तो क्या है, कुछ ऐसी चीजें हो जाना जो चीजें विश्वास करने लायक ना हो, योग्य ना हो, उसको बोलेंगे इनक्रेडिबल। ठीक है, आपने देखा होगा जादू वगैरह में काट कर पीस पीसते दोनों पार्ट अलग कर देते हैं, पैर उधर सिर उधर, और फिर दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है, क्या होगा? इनक्रेडिबल चीजें हो गई जिसपे विश्वास नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे क्रेडेंस वर्ड है, मतलब एक्सेप्ट करना विश्वास करने को लेकर है, और विश्वास करके आप लोग सपोर्ट भी कर सकते हो, वो चीजें क्या कह रहे हैं। एडवर्सरी का मतलब क्या होता है? एडवर्सरी का मतलब क्या, कंफ्लिक्ट, समझिएगा। एडवर्सरी बना कैसे है? एडवर्स से, एक वर्ड है हमारे पास एडवर्स, एडवर्स मतलब ऑपोजिट, एडवर्स मतलब क्या होता है? ऑपोजिट होता है। अब ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ये विरोधी कह सकते हैं उसको हम लोग, तो ऑपोजिट मतलब जो सामने वाला है ना, द्वंदी कहते हैं ना, प्रतिद्वंदी कह सकते हैं उसको हम लोग, तो कंफ्लिक्ट जिससे हुआ है या फिर डिस्प्यूट जिससे हुआ है उसी को बोलते हैं एडवर्सरी। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। डेटरेंट बहुत ही बेहतरीन वर्ड है इसको, जब भी मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को तो मैंने एक एग्जांपल दिया है कि अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने अपने स्पीच में कहा था जब इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट कर लिया था, फिर उनकी सरकार गिर गई थी, तो उन्होंने बताया था कि भाई वी टुडे वी बिकेम न्यूक्लियर पावर, टुडे वी बिकेम न्यूक्लियर पावर नॉट टू अटैक एनी कंट्री बट इट विल वर्क एज अ डेटरेंट, है ना, इट विल वर्क एज अ डेटरेंट। समझ में बात, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आज हम न्यूक्लियर पावर बन चुके हैं इसलिए नहीं कि छोटी मोटी किसी या फिर किसी भी देश पे हम लोग अटैक करेंगे, बल्कि दूसरे लोग जो अटैक करने वाले होंगे ना, वो हम पे अटैक करने से पहले सोचेंगे कि अगर हम लोग अगर वो लोग हम पे अटैक करेंगे तो हम लोग भी न्यूक्लियर वेपन से अटैक कर सकते हैं, तो क्या होगा, उनके मन के अंदर जो नेगेटिव चीजें है ना अटैक करने को लेकर, वो चीजें खत्म हो जाएंगी, मतलब उसको डिस्करेज कर देगा, उसको रिस्ट्रेन करेगा, रोकेगा, मना करेगा ये काम करने से। तो ऑब्वियसली इसी कारण से हमारा देश आज बहुत ज्यादा सुरक्षित है, नहीं तो चाइना कब के हमला कर चुका होता, पाकिस्तान कब के हमला कर चुका होता, है ना, यूएसए भी हमला कर ही चुका था, कोई ठिकाना नहीं था उसका, मतलब कि चाइना और पाकिस्तान तो कर ही देता। तो डेटरेंट का मतलब होता है डिस्करेज करना, है ना, सामने वाले के मन में अटैक करने की जो भावना है ना उसको तो खत्म कर देता है। ठीक है, दूसरी बात डेटरिंग का मतलब कैसे होता है, जब टीचर क्लासरूम में नहीं होते तो बच्चे बात कर रहे होते हैं, जैसे बोलते हैं सर आगे सर आगे सर आगे, बस क्या सब शांत हो जाते हैं, बस सर का आने वाला जो न्यूज है ना दैट वर्क्ड एज अ डेटरेंट, है ना, वो न्यूज काम कैसे किया, डेटरेंट की तरह काम करता है, मतलब कि सामने वाले के मन में जो हल्ला करना शोर करना जो है ना उसको खत्म कर देता है। ड्विंडलिंग का मतलब क्या होता है, देखिए ड्विंडलिंग नेचर होता है सभी को पता है, इसका मतलब होता है लेस पावरफुल, है ना, बिकमिंग लेस पावरफुल, ये हम लोग आज फिर से पढ़ा है और फिर से रिपीट हो रहा है, याद रखिएगा सभी लोग।
अगला है हमारे पास वर्ड है स्कार्स। स्कार्स सभी को पता होता है, स्कार्स स्कार्सली का मतलब ही होता है स्कैंटी या फिर स्कार्सिटी कह सकते हैं हम लोग, कम हो, कम, बहुत ही ज्यादा कमी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में बोलते हैं कमी। तो ये आशीष जो है ना हिंदी में भी लिख रहा है मीनिंग, और आई थिंक सही कर रहा है ये। मैं नेक्स्ट टाइम से ना हिंदी में लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। कमी आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है? अपने एक्सप्रेसिंग आइडियाज, अपनी बातों को आप बिना झिझक के रख देते हो किसी सामने, मतलब बताते हो किसी को, एक्सप्रेस करते हो, उसको बोलते हैं हम लोग आर्टिकुलेट करना। डूबियस की मीनिंग होती है स्केप्टिकल। डूबियस मतलब स्केप्टिकल, सभी को पता है मतलब डाउटफुल कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं डाउटफुल, ठीक है एवरीवन। एंड आई थिंक आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो अब बढ़ेंगे हम लोग फटाफट आगे, आज का एडिटोरियल पढ़ते हैं। कुछ वर्ड्स हमारे पास होंगे जो फॉरेन वर्ड्स होंगे, फिर कुछ ऐसे फ्रेजेस होंगे जिनको हम लोग अलग से पढ़ लेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ठीक है एवरीवन। तो आज के आर्टिकल को शुरू करते हैं फटाफट बिना देरी के। तो देखिएगा थोड़ा इसमें मैं आप अब सभी के सामने थोड़ा चेंज कर देता हूँ अपने पोजिशन को, मैं थोड़ा चला जाता हूँ राइट में, है ना। और इसे मैं जूम इन कर रहा हूं ताकि आप लोग सुन रहे। पहले आर्टिकल का टाइटल देख लीजिए सभी लोग। अ मैसेज फॉर द प्लानर्स, है ना, जो प्लानर्स जो प्लानिंग करते हैं उनके लिए मैसेज है। इन डीलिंग विद द ड्रैगन, है ना, ड्रैगन जो चाइना से डील कर रहे हैं, समझ लीजिए जैसे इंडिया, अगर इंडिया की बात करें, जो भी चाइना के नेबरिंग कंट्रीज है ना, सभी लोग को चाइना से क्या, चाइना उसके लिए सिर का दर्द बना हुआ है। क्या बना हुआ है? सिर का दर्द। अब वो जाता ही नहीं है, ऐसा दर्द है, कितना भी सेरोटोनिन खा लीजिए वो जाता ही नहीं है, तो ये बार बार आता रहता है। तो एक मैसेज है उन लोगों के लिए, उन सारे कंट्रीज के लिए, फिर उन सारे डिप्लोमैट्स के लिए जो चाइना से डील कर रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब ये नरेटर जो है, मान लो कहीं जो हमारे मनमोहन बहादुर जो है, वो क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज है उनका, उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे यहाँ, ठीक है एवरीवन। एक बार शुरू करते हैं, हम यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। आई थिंक आप सभी को दिख रहा होगा साफ साफ, कोई दिक्कत नहीं आ रही। आशीष ये स्कार नहीं है, स्कार्स, अरे स्केयर नहीं है, स्कार्स है। हाँ, स्केयर मतलब डरावना या डरना, और स्कार्स का मतलब कमी होना, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए शांतनु क्या होता है ना कि अब एक आशीष ने तो सारा लिखा ही है ना, एक उससे अगर इधर उधर हो रहा है ना, तो आप उसको कहते हैं ना, ये तो ग्रुप का काम होता है, टीम एफर्ट इसी को बोलते हैं। अगर कोई एक टीम मेंबर छूट रहा है पीछे या फिर मिसगाइड हो रहा है, तो उसको पकड़ के उठा के साथ में ले आएंगे, है ना, आगे बढ़ा देंगे, बस यही करना। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, आगे चलते इसको हम लोग, इसमें शुरुआत करते हैं यहां से हम लोग। चाइना, चाइनाज रिसेंट मूव टू एलोकेट, एलोकेट मतलब बांटना, है ना, नेम्स टू प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश इज प्रूफ दैट बीजिंग वॉन्ट्स टू कीप द इंडिया चाइना रिलेशन पॉट सिमरिंग। समझिए पॉट सिमरिंग क्या होता है? जस्ट शॉर्ट ऑफ अ बॉयल, है ना, जस्ट शॉर्ट ऑफ अ बॉयल। शॉर्ट ऑफ मतलब यहाँ पर शॉर्ट ऑफ का मतलब कमी नहीं है, शॉर्ट ऑफ मतलब एक तरह का, है ना, समझिएगा सभी लोग। मैं जो बताने जा रहा हूँ थोड़ा आप सभी को थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, दिक्कत होगा, लेकिन कुछ लोगों को समझ में आ भी जाएगा। ये थोड़ा फॉरेन पॉलिसीज को लेकर है, फॉरेन विवादों को लेकर है। चाइना क्या कहता है, कुछ दिन पहले की बात है, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को अपने अकॉर्डिंग नेमिंग करना शुरू कर दिया। अरुणाचल प्रदेश कहाँ आता है भाई? इंडिया में आता है। अब उसके बॉर्डर से एंटर करना शुरू किया था और नाम नेमिंग करना शुरू कर दिया, ये जगह का नाम ये रहेगा, इस जगह का नाम ये रहेगा, है ना। तो भाई ये समझ में नहीं आया कि कंट्री हमारा, वो जगह हमारी, और नेमिंग इस पर चाइना क्यों करने लगा भाई? पता, एक तरह का इसका मतलब है कि चाइना वहां पे इन्वेड करना चाह रहा है ना, उसको अपने में मिलाना चाह रहा है। ये क्या है, एक तरह का एक हमारे पास सिग्नल है, इंडिकेशन मिल गया उसे, ठीक है एवरीवन। अब आगे देखिएगा, कहता है कि इंडिया इस तरह की चीजें करके चाइना क्या चाहता है कि ना हमारा जो इंडिया के साथ रिलेशन है ना, वो पॉट सिमरिंग हो जाए, पॉट सिमरिंग ही रहे, पॉट सिमरिंग, जस्ट शॉर्ट ऑफ, शॉर्ट ऑफ मतलब एक टाइप का बॉयल, एक टाइप का उबाल, समझे। आप सभी लोग बताइएगा, जब पानी को उबालते हो, आप लोग पानी को उबालते हो तो बर्तन के ऊपर एक प्लेट रखते हो ना ढकने के लिए, तो आपने देखा होगा कि वो प्लेट ना, जब पानी बहुत उबलता है तो प्लेट ऐसे ऊपर नीचे हिलता रहता है, वो गिरता नहीं, वो हिलता रहता है और बबल्स निकलते रहते हैं साइड साइड का, आपने देखा था। इसका मतलब क्या हो गया, वो चाहता है कि जो हमारा जो हमारे इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है ना, वो इसी उबलते हुए पॉट की तरह हो जाए, मतलब थोड़ा 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 उसमें झगड़ा होते रहना चाहिए, विवाद होते रहना चाहिए, लेकिन पूरा फटना नहीं चाहिए, फिर बंद नहीं होना चाहिए, समझ रहे सभी लोग। पूरा फटने नहीं देना चाहता है और उसको पूरी तरह से बंद भी नहीं करने देना चाहता है, बस चाहता है कि थोड़ा थोड़ा वो उबाल उसमें आता रहे, ठीक है। व्हाइल वी हैव द चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर से दैट, अब हमने देखा कि चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने क्या कह दिया, एज नेबरिंग कंट्रीज एंड मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज
चाइना एंड इंडिया हैव फार मोर कॉमन इंटरेस्ट दैन डिफरेंसेस। उन्होंने कहा कि भाई जो इमर्जिंग इकोनॉमी है, जो मेजर इमर्जिंग इकोनॉमी है, जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं जैसे चाइना और इंडिया, ये दोनों बहुत ही ज्यादा मेजर इमर्जिंग इकोनॉमी है, इन दोनों के बीच में बहुत चीजें कॉमन है, इससे ज्यादा कि भाई सोचिए ना, डिफरेंसेस तो कमी है लेकिन कॉमन चीज ज्यादा है, मतलब भेदभाव वाली चीजें या कुछ अलग वाली चीजें बहुत ही कम है, ज्यादातर चीजें एक जैसी हैं, ठीक है। वी ऑल्सो हैव बिसाइड द नेमिंग फार्स, फार्स मतलब क्या होता है, मैंने आप सभी को पढ़ाया था फार्स, फार्स मतलब क्या आपने लिखा था याद है सभी को, फार्स मतलब देखिए यहाँ पे आकाश ने लिखा था स्वांग, स्वांग मतलब क्या होता है, फार्स मतलब स्वांग, स्वांग मतलब क्या होता है सोचिए, जो क्या बोलते हैं उसको, अनप्लान्ड अनफेयरली ऑर्गेनाइज्ड है ना, फार्स मतलब कह रहा है बिसाइड्स द नेमिंग फार्स मतलब अनफेयरली ऑर्गेनाइज द डिनायल ऑफ वीजा टू सम इंडिया पर्सनल हु द चाइनीज कंसिडर टू बी अनहेल्पफुल इन देयर रिपोर्टिंग, दिस बिहेवियर इज नथिंग बट क्रीपिंग वारफेयर परहैप्स ए ला द सन सू काइन, समझिएगा तभी लोग, कह रहा है कि इंडिया और चाइना के बीच में बहुत सारी चीजें कॉमन है, बहुत सारी चीजें जो कहते हैं डिफरेंसेस होते हैं ना, डिफरेंसेस से ज्यादा कॉमन साइज कॉमन वाली चीजें हैं, और अगर इसके अलावा नाम देने की बात करते हैं हम लोग तो क्या करता है, ये बहुत ही अनफेयरली ऑर्गेनाइज चीजें हैं नेमिंग को लेकर, अब इंडिया को क्या कर रहा है, इंडिया की चीजों को चाइना नेम कर रहा है, इंडिया के बहुत सारे पर्सन है, ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट है, मीडिया पर्सनल है, पर्सनल मतलब जो ऐसा व्यक्ति ऑफिशियली जो मीडिया की तरफ से हो, उसे क्या करता है चाइना जो होता है वो वीजा नहीं देता है, क्योंकि वो चाइना के अकॉर्डिंग जर्नलिज्म नहीं करते हैं, वो चाइना के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं है, इस कारण से कह सकते हैं कि वो चाइना जो है ना उनको आने से रोक देता है, उनको वीजा नहीं देता है अपनी कंट्री में, ठीक है, समझ रहे सभी लोग, हाँ ढोंग करना पाखंड करता रहता है ये, ठीक है। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को समझते हैं, इसमें कुछ वर्ड्स यूज किए गए, हम लोग दोनों वर्ड्स को पढ़ेंगे, जैसा आप लोग देखिएगा इसके अंदर एक वर्ड यूज किया गया है ए ला, देख रहे सभी लोग ए ला का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए ए ला लिखा है सभी लोग देखेंगे, ए ला का मतलब क्या होता है, एक तरह का तरीका है, समझ रहे हैं सभी लोग, समझिएगा, एक तरह का तरीका है किसी के अकॉर्डिंग काम करने को लेकर, है ना, वो कहता है जो सुन जू है वो कहता है कि भाई हमारे अकॉर्डिंग काम करो, नहीं तो ये क्या है एक तरह क्रीपिंग वॉरफेयर की तरह ही चलता रहेगा ये, ठीक है, मतलब ये बस एक कहते हैं नोसूर बन के रह जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं लोग कि हमारे लिए सही नहीं है इस तरह की बातें करना, सामने वाला क्या कर रहा है, सामने वाला कहते आपको ना धमकाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, समझिए अगर सामने वाला कह रहा है कि भाई झगड़ा कर लेंगे कर लेगा भाई, आप थोड़ा संभल कर रहिए, रोट दैट द एक्मे मतलब जेनिथ टॉप हाइट को बोल रहा है, ऑफ स्किल इज विनिंग विदाउट फाइटिंग, देखिएगा टॉप स्किल क्या कहता है, सुन जू कौन है समझिएगा थोड़ा, सुन जू जो है चाइना के स्टार्टिंग में एक लीडर हुआ करते थे सुन जू, उनका मानना था कि बिना लड़े हम लोग जीत सकते हैं, बिना लड़े, अब ऐसे स्किल रखना चाहिए हम सभी को कि बिना लड़े लड़ाई झगड़ा बिना किए हुए हम सभी लोग जीत सकते हैं चीजों को, है ना, आने वाले अपने दुश्मनों को जीत सकते हैं, शुड वी देन रिड्यूस दैट चाइना इज डूइंग जस्ट दैट अ मैलिशियस एंगेजमेंट, अ देखिएगा सरप्टिशियस मैनर, सरप्टिशियस मैनर, अब बताइएगा मुझे सरप्टिशियस मैनर का मतलब क्या, मैंने बताया था सभी को, आपको मैं बताता हूँ मैलिशियस एंगेजमेंट क्या होता है, मैलिशियस एंगेजमेंट मतलब होता है जो चीजें अनऑथराइज्ड हो, इलीगल बोल सकते हैं, जो चीजें हार्मफुल हो, कहती हूँ हार्मफुल हो, मैलिशियस जो आपकी आपकी चीजों को कहते हैं ना कि जो हार्म कर दे आपके सिस्टम को हार्म करे, वैसी चीजों को बोलते हैं मैलिशियस, है ना, समझिएगा तुम लोग, ऐसे आप सभी को यहां तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, सब कुछ ही चल रहा है ना, बाहर रह गए सब लोग भाई, क्लियर है अभी तक ना, और वी गिविंग मोर क्रेडेंस देन इज ड्यू टू बीजिंग सपोज्ड इंक्लिनेशन टू फॉलो सुन जू'स थॉट्स, देखिए हम लोग थोड़ा कहते हैं ना अपना विश्वास दिखा रहे हैं, है ना, विश्वास दिखा रहे हैं चाइना में, बीजिंग मतलब चाइना, ठीक है, चाइना में विश्वास दिखाते हैं
इसीलिए क्योंकि वो लोग सुनजू के मेथड को, उनके थॉट को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, सुनजू के थॉट को फॉलो करना मतलब मान लीजिए कि वो लोग कह रहे हैं, वो लोग अपनी तरफ से ये कह रहे हैं कि भाई हम लोग इंडिया पे बिलीव करते क्योंकि इंडिया महात्मा गांधी के रूल्स को फॉलो करता है, अहिंसा को फॉलो करता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में इंडिया अहिंसा को फॉलो करता है क्या? तो मुझे तो जहां तक पता है कि चीजें कुछ पहले ऐसी नहीं रही हैं। अब इंडिया जो है आप हिंसा में भी विश्वास करता है, पर किसी तरह से कहते हैं ना, अपनी बात अपनी चीजें होनी चाहिए, और नेगेटिव गलत चीजें नहीं, गलत चीजों को वो टारगेट नहीं करता, सही चीजों को ही टारगेट करता है। आर्टिकुलेशन, मैंने आपको आर्टिकुलेट वर्ड बताया था, आर्टिकुलेशन एट द पीपल्स कांग्रेस, है ना। पीपल्स कांग्रेस का मतलब यहाँ पे एक साथ मिलकर रहने को लेकर है, वहां की पार्टी जो चाइना की पार्टी है ना उसकी पार्टी को लेकर है। देखिएगा सभी लोग, ऐसे पीपल्स कांग्रेस जो है ना पूरी दुनिया में कहीं हर जगह हर कंट्री में एक पार्टी होती है। कांग्रेस का मतलब जो एक लेबर ग्रुप था ब्रिटिश के टाइम में, एक लेबर ग्रुप जो मिलकर एक पार्टी बनाई थी, इसका नाम रखा था पीपल्स कांग्रेस, या फिर उन्होंने नाम रखा था लेबर्स कांग्रेस, है ना। उसी पीपल्स कांग्रेस के नाम से बहुत लोग जानते हैं, हर कंट्री में था, ठीक है। कमेंट्री इन द यूएस आर्मीज वेस्ट पॉइंट मॉडर्न वॉर इंस्टीट्यूट टाइटल्ड सुनजू ट्रैप। अब देखिए, यूएस आर्मी के वेस्टर्न पॉइंट मॉडर्न वॉर इंस्टीट्यूट में एक तरह का कमेंट्री किया गया था जिसमें नाम लिया गया था सुनजू ट्रैप, है ना। सुनजू मतलब वो बोलता है कि हमला नहीं करेंगे, लेकिन एक तरह का ये ट्रैप, समझिए सभी लोग, द इल्यूजन ऑफ परपीचुअल कॉम्पिटिशन, एक तरह का ये कॉम्पिटिशन, परपीचुअल कॉम्पिटिशन क्रिएट करता है, इल्यूजन क्रिएट करता है। कंसिडर चाइनाज प्रेसिडेंट डी डी जिनपिंग लेस ऑफ अ सुनजू फॉलोअर। डी जिनपिंग जो है, भी है चाइना का प्रेसिडेंट, वो सुनजू के बातों को, उसके थॉट्स को फॉलो नहीं करता है। ध्यान रखना के सभी लोग, कास्ट मोर इन अ मॉइस्ट मोल्ड, समझिएगा मॉइस्ट मोल्ड, वो कहते हैं ना कि वो एक तरह का मोल्ड में, सांचे में ढला हुआ है ना। क्या सांचा है भाई? अ फॉर्म दैट बिलीव, एक ऐसा सांचा है जो कि मानता है इन पावर फ्लोरिंग फ्लोइंग इन अ पावर फ्लोइंग थ्रू द बैरल ऑफ अ गन, है ना। वो कहता है कि पावर जो है ना, करने से पावर मतलब गन के बैरल से ही पावर को दिखा सकते हैं। तो मतलब क्या हो गया, अगर बंदूक, जैसे बोलते हैं ना पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि वे बंदूक दिखा के बोलते थे, आपने देखा होगा मुन्ना भाई एमबीबीएस, देखा है सभी ने। हाँ, मुन्ना भाई एमबीबीएस में क्या बोलता है कि भाई चाकू लेता है हाथ में, वो सर्किट चाकू लेता है हाथ में, बोलता है कि मैं तुमसे क्या बोलता है, नम्र निवेदन करता हूँ, ऐसा कुछ बोलता है, कुछ और बोलता है, ऐसा ही कुछ बोलता है, मतलब मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ ना, इंग्लिश में कहने में रिक्वेस्ट करना, हिंदी में नम्र निवेदन, या फिर कुछ ऐसा कुछ वर्ड बोलता है, वो चाकू दिखा करता है ना, हाथ में चाकू लिया रहता है ऐसे, और ये चाकू है मान लीजिए, चाकू दिखा कर उसको बोलता है, मतलब क्या हो गया, ये वही बात हो गई कि ना आप निवेदन नहीं कर रहे, आप लोग गन दिखा के उसको अपना काम करवाना चाहते हो। उसी तरह से ये कह रहा है कि सी जिनपिंग जो है ना, वो सुनजू के थॉट्स को नहीं मानता है, बहुत ही कम कहते हैं फॉलो नहीं करता है, और वो मानता है कि पावर को दिखाने का तरीका है जो कि गन के बैरल से जाके होके गुजरती है ना। इट इज हियर दैट अनदर रिसेंट आर्टिकल इन द प्रेस्टिजियस फॉरेन अफेयर्स मैगजीन, आप देखिए फॉरेन अफेयर्स मैगजीन में, उसमें एक आर्टिकल छपा था है ना, उसमें ये बात निकल के आई थी बाय टू नोटेड कॉम्युनिस्ट जॉन पॉम्फ्रेट एंड फॉर्मर बीजिंग ब्यूरो चीफ ऑफ द वॉशिंगटन पोस्ट एंड पोटिंगर फॉर्मर यूएस डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। इन लोगों के बीच में एक तरह का कहते हैं ना वो एक आर्टिकल इन्होंने लिखकर छापा था, गेन्स क्रेडेंस। इन्होंने क्या किया उस आर्टिकल में, क्या बताया वो देखिएगा क्या लिखता है। द ऑथर आर्ग्यू दैट सी जिनपिंग शुड बी टेकन सीरियसली When he says that he is preparing China for war, जब सी जिनपिंग कहता है कि चाइना को वो एक कितनी वॉर के लिए रेडी कर रहा है, तो हम सभी को, जितने भी लोग हैं, जितने दुनिया आसपास कंट्रीज है ना, उन सभी को इस बात को सीरियसली लेना चाहिए कि सच में चाइना जो है मतलब वॉर की तैयारी कर रहा है, ठीक है। द आर्टिकल mentions वॉर इन रिलेशन टू ताइवान, ये अच्छी बात है कि इंडिया के लिए अच्छी बात है कि वो वॉर के लिए तैयार कर रहा है, लेकिन ताइवान से न कि इंडिया से। बट अ केयरफुल रीडिंग would show that Mr. Xing's articulations at the National People's Congress in March this year point more towards the larger implications of the thinking at the highest level in the Chinese government। समझिएगा, कह रहा है कि अगर सी जिनपिंग कह दिया है कि हम लोग वॉर के लिए रेडी हो रहे हैं, भले ही वो ताइवान के लिए हो रहा हो, लेकिन आज ताइवान है तो कल इंडिया भी हो सकता है, इस बात को सीरियसली लेना चाहिए।
और वो बहुत सारे लार्जर इम्प्लीकेशन को दिखा रहा है ना, ऑफ द थिंकिंग एट द हाइएस्ट लेवल इन द चाइनीज गवर्नमेंट. चाइनीज गवर्नमेंट का जो हाइएस्ट लेवल है ना वो दिखा रहा है, दैट इज द एग्जॉर्टेशन, मतलब टू वर्क टूगेदर, मतलब साथ में काम करने को लेकर ना वो बहुत परेशान हो चुका है. वो क्या करेगा, फाइट करेगा, डेयर टू फाइट एंड बी गुड एट फाइटिंग टू ब्रेक आउट ऑफ डिपेंडेंस ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजीज, है ना. क्या बोल रहा है देखिए, मतलब कि कहां कहां की चीजें निकल के आ रही है. इन्होंने आर्टिकल बहुत ही शानदार लिखा है, आप सभी को ये बात समझ में आ रही है क्या, ये जो आर्टिकल है ना, आई थिंक आप सभी को ये आर्टिकल समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो मुझे पूछिएगा जरूर. ये आर्टिकल बहुत ही ज्यादा पेचीदा सा है, क्या फॉरेन अफेयर्स को लेकर है, तो पेचीदा सा है लेकिन समझ में आना चाहिए आप सभी को, मैं ट्राई कर रहा हूँ समझाने की. कह रहा है कि कब तक हम फॉरेन टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट रहेंगे, है ना, क्या करेंगे, एक ब्रेकआउट आना चाहिए, है ना, एक कहना चाहिए ब्रेकआउट आना चाहिए और हमारे पास हिम्मत होनी चाहिए लड़ने को लेकर, ठीक है. एंड टू गेट सोसाइटी टू रैली बिहाइंड द पीपल्स लिबरेशन आर्मी एंड यूज द थ्रस्ट टूवर्ड्स यूनिफिकेशन ऑफ द मदरलैंड, है ना. यूनिफिकेशन मतलब एक बनाना को लेकर है ना. चाइना क्या करता है, चाइना दूसरे कंट्रीज के चीजों को, है ना, दूसरे दूसरे कंट्रीज के एरियाज को अपने में मिलाना चाहता है, अपने मदरलैंड को बोलना चाहता है वो कि ये हमारा मदरलैंड है. एज अ स्टेपिंग स्टोन, अगर छोटे छोटे कंट्रीज पर अटैक करके वो अपने अंदर मिला ले तो एक तरह का ये स्टेपिंग स्टोन की तरह काम करेगा, मतलब आगे बढ़ने में जो कहते हैं ना, हर एक स्टेप छोटे मोटे कदम आगे बढ़ते जाएंगे. तो पानी के कहीं भरा होता है, अब क्या करते हो, पत्थर डाल देते हो, उसके ऊपर चढ़ के आगे निकल जाते हो. वही बोल रहा है कि स्टेपिंग स्टोन की तरह काम करेगा, किस चीज में, टू मेकिंग चाइना ग्रेट अगेन, फिर से चाइना को महान बनाने में ये हेल्प करने वाला है. दीज स्टेटमेंट आर अनएक्सेप्शनेबल फॉर एनी हेड ऑफ गवर्नमेंट टू मेक एक्सेप्ट दैट, एक्सेप्ट मतलब बोला किसी भी गवर्नमेंट के हेड के लिए ना ये मानने के लिए बहुत ही मानने लायक चीजें नहीं है, एक्सेप्ट के बावजूद या फिर हटा दिया जाए, मतलब किसी चीज को छोड़ा जाए, दैट वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द टेनर ऑफ द प्रोक्लेमेशन गेटिंग कन्वर्टेड टू काइनेटिक एक्टिविटी विद आवर ओन बॉर्डर प्रॉब्लम्स विद बीजिंग. रिमेंबर इंटेंशंस कैन चेंज ओवरनाइट. कह रहा है कि भाई हम सभी को ये बात समझना चाहिए कि चाइना के जो पुराने थॉट्स थे ना वो चीजें अभी नहीं है कि भाई बिना लड़े सामने वाले को जीत लो. अब क्या कहता है वो गन पॉइंट्स मतलब अटैक करके वो सामने वाले को, सामने वाले के एरिया को अपने मिलाना चाहता है, ताकि उसका एक मिशन है यूनिफिकेशन ऑफ द मदरलैंड, उस चीज को पूरा कर सके, अपने चाइना अपने एरिया को बढ़ा सके और महान बना सके. एक टाइम में हिस्ट्री उठाकर देखेंगे आप लोग तो चाइना बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ था, अभी वो कम में हो गया लेकिन एक टाइम बहुत ज्यादा फैला हुआ था, ठीक है. और इसमें कह रहा है कि हम सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हम सभी को प्रिपेयर होना चाहिए इसके लिए कि चाइना कभी भी इस बात से मतलब पलट सकता है कि भाई उसे आज ताइवान पे हमला करना है, कल वो इंडिया पे भी कर सकता है, कल वो जापान पे भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है. तो हर तरह से रेडी है, समझ रहे हैं. और इंटेंशन जो है ना वो रात भर में बदले जा सकते हैं. आज वो भले ही बोल रहा है कि इंडिया से हम लोग फाइट नहीं करेंगे लेकिन कल को वो ये फाइट कर सकता है. देयर हैव बीन बॉर्डर टॉक विद चाइना, द 17th इंस्टॉलमेंट ऑन डिसम्बर 2022 एंड बाय नाउ यूजुअल पोस्ट टॉक स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग टूगेदर टू मेंटेन पीस. ओके, देखिए सभी लोग समझेंगे, अगर कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. लिखा है दे हैव बीन बॉर्डर टॉक्स, है ना, बॉर्डर टॉक्स हुए हैं चाइना के साथ, हमारे बहुत सारे बॉर्डर टॉक्स हुए हैं. आई थिंक गलवान वैली को अगर ले लेना तो उसके ऊपर आई थिंक 12-15 टॉक्स हुए हैं, मीटिंग्स हुई हैं विद चाइना. द 17th इंस्टॉलमेंट ऑन डिसम्बर 28, 2022 नाउ यूजुअल पोस्ट टॉक स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग टूगेदर टू मेंटेन पीस. अब बहुत ऐसे भी टॉक्स हुए हैं, लास्ट टॉक जो हुआ था वो 20 दिसंबर 2022 को हुआ था, और इसके बारे में हुआ था भाई कि लोग साथ में रह के काम करेंगे और पीस को मेंटेन करेंगे, शांति बहाल करेंगे, है ना. सच लॉन्ग ड्रॉन आउट नेगोशिएशन फॉर व्हाट अपीयर टू बी प्योरली टैक्टिकल पोजीशंस, है ना. इस तरह की चीजें क्या बोलेंगे हम लोग कि टैक्टिकल पोजीशंस में ले आते हैं हम सभी को, हैव अ डिफरेंट व्यू, मतलब इसका अलग ही कलर है व्हेन व्यूड थ्रू अ स्ट्रेटेजिक प्रिज्म. अगर आप लोग स्ट्रेटेजिक प्रिज्म से देख, मतलब वैसी नजर से देखो कि स्ट्रेटेजी क्या कह रही है, उसकी स्ट्रेटेजी किस तरफ जा रही है, तो आपको नजर आएगा कि मेंटेन पीस वाली चीजों को लेकर काम करते हैं, साथ में पीस मेंटेन करेंगे, ये एक तरह इसका कलर ही अलग है, है ना, छाता एक तरह का. इन अ लेक्चर इन 1986 टाइटल्ड मोरल प्रिंसिपल्स एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट,
एंड देन यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉर्ज शुल्ट्ज स्पीकिंग ऑन इंटरलोक्यूशन. इंटरलोक्यूशन सभी को पता है, फॉर एडवांसिंग नेशनल इंटरेस्ट सेड दैट नेगोशिएशन आर एन एफेमिज्म फॉर कैपिटल कैपिचुएशन इफ द शैडो ऑफ पावर इज नॉट कास्ट अक्रॉस द बार्गेनिंग टेबल. आप समझिए क्या कह रहा है इसको, बहुत सिंपल था लेकिन बहुत ही क्या ना जानदार चीजें कह दिया ये. इसका कहने का मतलब यही जा रहा है कि देखिए हम लोग नेगोशिएशन करेंगे जरूर, लेकिन एक तरह से क्या होगा ये कैपिचुलेशन को थोड़ा हम लोग कैपिचुलेशन को टारगेट कर रहे हैं. समझिए सभी को पता है कि चाइना क्या करता है, चाइना पहले पैसे देता है, ठीक है, क्या करता है पैसे देता है. क्रिटिकल पोजिशन आ चुका है एक्चुअली में आकाश, देखिएगा पैसे देता है किसी को भी और मतलब कैपिटल से उसको हेल्प करता है और फिर नेगोशिएशन करता है. ठीक है, एक काम करो मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं और तुम मुझे वापस लौटा नहीं पा रहे हो, तो एक काम करो मैं जो कहता हूं अपने गवर्नमेंट में चेंजेस करो, जो कि वो पाकिस्तान में कर चुका है ना. क्या क्या पाकिस्तान में भाई, उसने पाकिस्तान को बहुत सारे कर्ज दिए, बहुत पैसे दिए, फाइनली वो कर्ज में इतना डूब गया कि वहां से वो निकल नहीं पा रहा है. ठीक है, तो क्या कहता है चाइना जो कहता है ना वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट वहां पे करना शुरू कर देती है, इंडिया के अगेंस्ट में वो टैक्स वगैरह करना प्लान करना शुरू कर देती है. बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो चाइना करवाता है पाकिस्तान से, है ना, इसको बोलते हैं कैपिचुलेशन. ठीक है, ये क्या है पावर का शैडो कह सकते हैं उसको हम लोग, पावर है चाइना के पास उसका शैडो किस पे पाकिस्तान में पड़ रहा है, पाकिस्तान वही कर रहा है जो चाइना चाहता है करवाना. ठीक है, तो एक तरह का ये बार्गेनिंग टेबल की तरफ आपको ले जाता है. ही एडेड दैट फॉर ऑथोरिटेरियन द गन इज ऑलवेज ऑन द टेबल. देखिए क्या होता है, ये वही बात हो गई, चाइना किस रोल में है ना, जो हमारे भाईजान होते हैं, ठीक है, आए हैं किसके लिए, नेगोशिएशन करने के लिए, और आप बैठे हो, आप बैठे हो, आपसे आपके सामने मैं बैठा हूं और सामने मैंने गन रख दी, गन रख दी, लो भाई मैंने गन टेबल पे रख दी है, गन इज ऑलवेज ऑन द टेबल, है ना, और जो बात होगी फाइनली बात किसकी मानी जाएगी, जिसका गन है उसकी बात मानी जाएगी, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो समझ रहे सभी लोग ना. देखिएगा फॉर द साइड विदाउट कार्ड्स और द हैंड टू प्ले, ठीक है, मतलब यहाँ पे वही हो गया, कार्ड की जगह पे हमने गन रख दिया है और हम लोग अपना गेम खेलना शुरू कर रहे हैं. नेगोशिएशन आर एन इल्यूजन. देखा समय में बस अभी को ना, नेगोशिएशन जो है वो एक्चुअली में एक तरह का इल्यूजन है ना, कि ये नेगोशिएशन कर रहे हैं, एक्चुअली में नेगोशिएशन नहीं कर रहे हैं, गन दिखाकर जो बातें मैं कहना चाह रहा हूँ उसको मानो और चलो भाई बाहर जाकर सबको यही बोलना कि हमने नेगोशिएशन किया है. इज देयर अ मैसेज इन दिस फॉर न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली मतलब क्या इन सब चीजों में, ताइवान और चाइना के बीच जो इस तरह का रिलेशन चल रहा है, क्या इसमें इंडिया के लिए, न्यू दिल्ली मतलब इंडिया, इंडिया के लिए कोई मैसेज है. विद इट्स हार्ड पावर प्रिपरेशन इन द मिडस्ट द बेंडरिंग टॉक्स टू मीट बीटिंग चैलेंज. समझिएगा सभी लोग, ये एक्चुअली में इंडिया के लिए एक तरह का इंडिकेशन है कि अपने पावर मतलब अपने पावर को, हार्ड पावर को वो क्या कर रहा है, वो प्रिपेयर कर रहा है आगे चल के वो किसी से भी नेगोशिएशन नहीं करेगा, वही करेगा क्या, कौन सा का जो गन ऑन द टेबल वाली बात है, गन ऑन द टेबल वाला कॉन्वर्सेशन करेगा. ठीक है, नेगोशिएशन करने के लिए आएगा और इंडिया से भी वो लड़ जाएगा. ठीक है, जो ताइवान से कर रहा है. तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब भी हम बात कर रहे होते हैं बीजिंग के इंटेंशन की, मतलब चाइना के इंटेंशन की, वो कभी भी चेंज हो सकते हैं, वो मीटिंग के नाम पर, नेगोशिएशन के नाम पे वो बस अपनी बातें करवाने के, अपनी बातें मनवाने के चक्कर में रहता है. ये समझिए कि हम लोग छोटे मोटे कंट्री अगर होते ना ताइवान की तरह, तो अब तक चाइना ने हमला कर दिया होता, अब तक मतलब कड़ी दिया होता, कुछ छोड़ता ही नहीं. चलिए इसके आगे का जो है डिफेंस कमिटीज दिमाग, इसके ऊपर डिफेंस का क्या कहना है, उसका एक अलग ही आर्टिकल लिखा हुआ है. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सभी लोग, इसको आप लोग पढ़ सकते हो, पढ़िए, काफी अच्छा आर्टिकल है, इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास, मतलब नेक्स्ट क्लास में आप लोग कंटिन्यू करके आइएगा. फिलहाल हम लोग यहाँ पे इस आर्टिकल को खत्म करेंगे. आई थिंक आप सभी को आर्टिकल पढ़ने में मजा भी आया होगा और समझ में भी आया होगा, है ना. चाइना के इंटेंशन भी समझने बहुत जरूरी होते हैं. देखिए आर्टिकल पढ़ने से ना, मैं देखिएगा आप सभी को जब मैं पढ़ाता हूँ ना, तो मैं उसमें एक स्टार्टिंग में मैंने लगाया था, ये वाला एक पोस्टर मैंने लगाया था, है ना. इस पोस्टर से आप लोग समझ सकते हो कि मैंने क्या किया है. मैंने पहले लिखा है ट्रेंडिंग न्यूज, है ना, जो ट्रेंडिंग न्यूज है ना उसको हम लोग कवर करते हैं, जिससे आपको समझ में आए कि हमारे देश में, हमारे देश के आसपास क्या चीजें हो रही है. ठीक है, उसके अलावा आखिरी में ग्रामर तो करते ही हम, वोकैबुलरी भी करते हैं, उसके बाद रीडिंग और स्किमिंग भी करते हैं. ठीक है, बट मैं आपको पढ़ने का मौका फिलहाल अभी नहीं दे रहा हूँ, बट मैं ट्राई करूंगा जल्दी ऐसा मौका आ जाए जहां मैं आप सभी को पढ़ने का मौका दूं, फिर मैं आपको समझाऊं. ठीक है एवरीवन, आई विल ट्राई टू डू दैट. फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और चलते हैं थोड़ा आगे. आज टाइटल के बाद हम लोग ग्रामर में चलते हैं. तो ग्रामर में मैंने होमवर्क दिया था सभी को और आप सभी से मैंने पूछा था कि बताओ इसमें क्या होगा एरर, गलती कहाँ पे है.
सिग्निफिकेंटली, देखिएगा आप लोग मुझे आंसर करके दिखाओगे, सिग्निफिकेंटली मतलब इंपॉर्टेंटली है ना, द स्पॉन्सर्स जो पैसे लगाते हैं, लेड बाय द यूएस, इट्स एलीज मतलब फ्रेंडशिप जो होती है, फ्रेंड्स की बात कर रहा है, एंड यूरोपियन यूनियन कंट्रीज डिड नॉट कॉल फॉर पीस टॉक समथिंग यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, वोलोदिमिर कहां जा गया, वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की डज नॉट फेवर एट प्रेजेंट गिवन द स्टेटस स्टेटस क्यू है ना, एडवांटेज मतलब पहले ही एडवांटेज मिल जाना, दैट लाइज विद रशियन फोर्सेज हैविंग लेन क्लेम, लेन क्लेम मतलब किसी तरह कोई ऐसा मतलब फर्जी क्लेम टू अबाउट 1/5 ऑफ द यूक्रेनियन टेरिटरी, कि उन्होंने क्लेम किया है रशिया ने कि हमने 1/5 टेरिटरी पे कब्जा कर लिया। हाँ मैं हिंदी में वर्ड्स लिख दूंगा, एक्चुअली क्या होता है ना कि हिंदी में लिखा नहीं मैंने, लिख दूंगा भूल जाता हूँ, छूट जाता है, लिख दूंगा ठीक है। इसमें एरर क्या होगा बताइए सभी लोग, अगर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूं कि आप लोग ना एक काम बस करना, देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे चलते हैं हम लोग, और ये हमारा, कि आप लोग ना एक काम बस करना, लाइक जरूर कर दीजिए आप सब लोग, जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना वो लाइक जरूर कर दीजिए, आप सभी के लिए बहुत जरूरी है, आप सभी लोग लाइक करोगे तो हमें भी उससे भी मोटिवेशन मिलता है ठीक है। अब देखिए ये क्लास हमने लास्ट क्लास में की थी, और इसमें मैंने आप सभी से होमवर्क पूछा दिया था आप सभी को ना, याद है, नॉइस एडिटोरियल सर जी हैविंग रिप्लेसेस है, ओके हैविंग रिप्लेसेस है, देखिए शांतनु ने आंसर किया है, एरर है यहाँ पे जो, समझिए सभी लोग, ये मैं आंसर की बात कर रहा हूँ, शांतनु ने यहाँ पे दिखाया, शांतनु का आंसर है कि हैविंग को हैव से रिप्लेस करने की बात ये कहता है क्वेश्चन में जो मैंने आपको दिया था ठीक है। अब चेक करते हैं इसको, हैविंग को हैव में रिप्लेस करने की बात कह रहा है कहां पे भाई, ये हैविंग, हैविंग यहां पे देखिए सभी, फोर्सेस हैविंग लेन क्लेम, अरे भाई मेरे देखो फोर्सेस के लिए ना क्लेम आ रहा है, फोर्सेस के लिए क्लेम आ रहा है, रशियन फोर्सेस क्लेम टू अबाउट, यहां पर हैविंग सही है कोई दिक्कत, देख गड़बड़ी यहां पर कहां थी, सिग्निफिकेंटली द स्पॉन्सर यहाँ पे लेड नहीं होगा लीड होगा है ना, लीड बाई यूएस, द यूएस है ना, इट्स एलाइज मतलब यूएस और उसके फ्रेंड्स के द्वारा और यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के द्वारा जो स्पॉन्सर किए जा रहे हैं उसकी बात कर है ना, डिड नॉट कॉल स्पॉन्सर डिड नॉट कॉल फॉर पीस टॉक है ना, वो पीस टॉक के लिए बात नहीं करते वो लोग, देखिए वो लोग ऑब्वियसली बात है वो लोग यूक्रेन को रशिया के अगेंस्ट यूज कर रहे हैं बस और कुछ नहीं, तो यहाँ पे लेड ना होकर लीड होना चाहिए, दिस इज द राइट आंसर। और कल के लिए मैं होमवर्क आप सभी को दे रहा हूँ, ये हमारा होमवर्क रहेगा कल के लिए, आप सभी लोग इसको, इसमें एरर क्या है पता लगाएंगे ठीक है, और फिर कल मुझसे मिलेंगे, इसमें मुझे जहां तक लग रहा है कि काफी अच्छे क्वेश्चन है, इसमें एरर भी जो है एक अच्छे लेवल के एरर है, आप लोग पकड़ने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। चलिए ये टाइमिंग हमारे YouTube चैनल पे जो क्लास चलती है सुबह 8 बजे एडिटोरियल की, रात में 9 बजे प्रैक्टिस की क्लास चलती है, इसको मैं कॉन्सेप्ट वाली क्लास में कन्वर्ट कर दूंगा ठीक है, और एप्लीकेशन पे 10 बजे रात में चलती है क्लास, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस दोनों चलती है ठीक है एवरीवन। ये मेरी क्लास का शेड्यूल है और सबकी शेड्यूल चाहते हैं आप लोग, तो इस तरह का शेड्यूल चल रहा है आप सभी के लिए, इसमें थोड़ा चेंजेस हुआ है यूट्यूब की क्लास में, संदीप सर की जो 11 बजे क्लास चलती थी ना वो इन्होंने 9 बजे कर ली है, याद रखिएगा 9 AM को क्लास हो रही है संदीप सर की रीजनिंग की, ये थोड़े चेंजेस हुए हैं, आप सभी को मेरी क्लास की जस्ट बाद संदीप सर की क्लास मिलेगी, आप लोग चाहो तो उसमें ज्वाइन कर सकते हो, आप सभी को ज्वाइन कीजिए ही कीजिए, छोड़ दीजिए कि भाई कुछ दिन के लिए सब कुछ भूलकर बस ज्वाइन कीजिए, आप पढ़ाई करते रहिए, एग्जामिनेशन नजदीक आ चुका है, अभी RBI आने वाला है नेक्स्ट मंथ में, RBI के बाद IBPS तो आ ही जाएगा, RRB आ जाएगा, तो RRB आएगा फिर IBPS आएगा फिर SBI आएगा ठीक है, उसके पहले RBI आ चुका होगा ठीक है, तो आप लोग रेडी रहिए पहले से ही। और उसके अलावा बात करें हम लोग तो EPFO SSA और स्टेनो के लिए हमने जो YouTube पे फ्री क्लास निकाली है वो हमारी शाम में 6 बजे शुरू होती है मैथ से और रात में 10 बजे खत्म होती है इंग्लिश से ठीक है एवरीवन। और ये एप्लीकेशन फ्री क्लास चल रही है हमारी, अगर आपको हमारी क्लास करनी है एप्लीकेशन बहन अकेडमी की फ्री एप्लीकेशन पे आइए, वहां जरूर कीजिए,
क्लास, वहां पे पोल्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, मजा आएगा। 10 AM में रीजनिंग क्लास शुरू होती है ना, और 10 AM नहीं है ये एक्चुअली, में 10 AM नहीं है, चीज हो गया 9 AM हो गया, 9 AM है, एक सेकंड सॉरी सॉरी, वो 10 AM ही चल रहा है। अरे यार मैंने गलत किया, ये 10 AM ही चल रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, यूट्यूब वाले चेंज हुए थे। 10 AM में रीजनिंग क्लास चलेगी एप्लीकेशन पे, 12 PM में चलती है GA की क्लास, और 1 PM में भी कंप्यूटर क्लास, मनीष सर की नहीं लेते दोनों क्लास, 3 PM में मैथ्स क्लास चलती है, और 10 PM में मेरी क्लास चलती है। ठीक है एवरीवन, चलिए इसका लिंक मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, आप लोग वहां से ले सकते हो। आप में जो भी नए हैं इस क्लास को जरूर वो कीजिएगा, आप लोग सभी लोग इस क्लास को फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं मिलेगा बस अब, हाँ, ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, आप ब्रेकफास्ट ले लो साथ में, बैठ के खाते रहो और पढ़ते रहो। ठीक है, चलिए मिलते हैं सभी से नेक्स्ट क्लास, तब तक के स्टे हेल्दी स्टे सेफ, जय हिंद जय जवान।